ससुराल से नहीं कहा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। तो अभी शाम के बज गए हैं 5 और आज एक्चुअली मैं घूमी घूमी करने जा रहे हैं। बहुत दिन के बाद आज फाइनली कोई कहीं बाहर जाने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा काम है मार्केट का, स्टोर वगैरह का, तो जाऊंगी थोड़ा सा। दीदी मैं और ये जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट। तो जो भी मेरे पास वीडियो होगा अभी वहां पर, मतलब तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। और वहां से जाने वाले हैं हम लोग, मंडला का एक बढ़िया सनसेट सीन दिखाई देता है वहां पर, तो वहां पर मैं जाने वाली हूँ और आप लोग को भी वहां का सीन दिखाने वाली हूँ। आई होप आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। और आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, सिंथेटिक साड़ी है सिफोन की, और ये ढक रही हूँ मैं सिर में पल्ला। यहाँ पर जब बाहर जाऊँ ना तो इस तरीके से पल्ला ले लेती हूँ, बाकी घर में हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलता है। तो अब मैं बाहर जाऊंगी तो इस तरह से पल्ला ले लूंगी सिर में। और काफी लोग के कमेंट आ रहे थे कि मैं अपनी आईब्रोज को थोड़ा सा आईब्रो पेंसिल चलाऊं, बट मैं चलाती हूँ। अभी लॉकडाउन के कारण थ्रेडिंग वगैरह नहीं हुई है और इसलिए वो थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं दिख रही है, इस वजह से थोड़ा सा थ्रेडिंग वगैरह नहीं बनवा पा रही हूँ अभी, क्योंकि डर लगता है यार, कोरोना की वजह से थोड़ा सा डर लगता है अभी पार्लर वगैरह जाने में। इसलिए अभी तो घर पे ही रहना, ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए मैं पार्लर नहीं गई हूँ। तो ये देखिए मैंने इसके साथ ये वाले बैंगल्स पहने हैं और इयररिंग्स ऐसे जो नॉर्मल घर में पहनती हूँ वही पहना है बस। और मैं रेडी हो गई हूँ। सब लोग के कमेंट आते हैं कि आप साड़ी में ज्यादा अच्छे लगते हो, पर गर्मी इतनी होती है ना कि डेली यूज में साड़ी नहीं पहनी जाती। जब सूट यहाँ पर अलाउ हुआ तो सूट पहनते हैं, जब कहीं बाहर गए तो साड़ी पहन ली। यहाँ पर मैंने जूड़ा बनाया है। एक्चुअली मेरे बाल थोड़े से पतले हैं तो ये देखिए मैंने ऐसा सिंपल सा जूड़ा बांधा है। अभी तो बांधा है, बाहर जाकर अभी घर पे बांधा है बस, और बाहर जाऊंगी तो खोल लूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ा जूड़ा वगैरह कम जमता है इसलिए मैंने ऐसे ही सिंपल अभी बांधा है। तो ये देखिए मैं आप लोगों को मिरर में दिखा रही हूँ, ये वाली साड़ी है जो मैंने पहनी हुई है और यहाँ पर फैला हुआ है, आप लोग माइंड मत करिएगा। और लोग देख सकते हैं बढ़िया लग रही है साड़ी, ये वाली मेरे को बहुत पसंद थी साड़ी, कटनी से लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो मतलब वहां पर मम्मी लोग को इतनी पसंद नहीं आई थी, बट मुझे बहुत अच्छी लगी है साड़ी, तो मैंने बोला मैं लूंगी। गाइज मैंने आप लोग से जैसा कि बताया कि मुझे कुछ सामान लेना था स्टोर से, तो मैं और दीदी आ गए हैं यहाँ पर सामान लेने के लिए। ये है छोटा सा वीडियो जो कि मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया है और सामान हम लोग ने ले लिया है। और अब मैं आप लोगों को आज मंडला घुमाने वाली हूँ। मंडला का सनसेट पॉइंट बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और सनसेट का टाइम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये बोल रहे थे तुम लोग की शॉपिंग के चक्कर में सनसेट छूट जाएगा, रास्ते पर हम लोग को डराते हुए ले गए, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम लोग की शॉपिंग ख़त्म ही नहीं होती, तुम लोग ने लेट करवा दिया है, पूरे रास्ते यही बोलकर लेकर आए। लेकिन फाइनली जब हम लोग ने वहाँ पर पहुँचा तो आप लोग अब देखिएगा और ख़ुद बताइएगा, वहाँ का व्यू एक नंबर था देखने लायक। ये देखिए बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। अब हम सनसेट पॉइंट पहुंच चुके हैं, अब आप लोग यहां पर सनसेट का मजा लीजिए। कैसा लगा आप लोग को सनसेट कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर थोड़े से हम लोग फोटो वगैरह क्लिक किए जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग आ गए हैं घर और रूम आप लोग देख सकते हैं फैला हुआ है, क्योंकि अचानक से प्लान बन गया हम लोग का जाने का, ऐसा कुछ था नहीं। तो बस अब यहाँ पर मैं जल्दी से साफ कर लेती हूँ।
गाइज मैं आ गई हूँ वापस घूम घाम के। और कैसा लगा आप लोग को आज का व्यू? मैंने आज आप लोग को पूरा व्यू दिखाया है मंडला का, सनसेट का। बहुत प्यारा लग रहा था, सच में बहुत अच्छा लग रहा था। आई होप आप सब लोग ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। और कल की वीडियो में मैंने जो होम रेमेडी बताई थी वो आप लोग ने ट्राई की, तो ये देखिए मैंने कल किया है और वो उससे बहुत अंतर दिखता है फेस पर। आज पूरा दिन मेरा फेस मतलब ग्लो ग्लो मतलब कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब स्किन बड़ी साफ साफ दिख रही थी। आप लोग भी उसको जरूर ट्राई करिएगा। और मैं आप लोग को इस तरह से छोटे छोटे से ब्यूटी टिप्स बताती रहूंगी। एक्चुअली मैंने पार्लर का कोर्स किया है ब्यूटिशियन का, तो थोड़ा बहुत जो भी मेरे से आता है मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। और कल मम्मी ने बजाया था सिंथेसाइजर, उसके लिए काफी कमेंट आ रहे थे, तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी आपके लिए काफी कमेंट आ रहे हैं, आंटी जी के लिए लाइक तो बनता है ये तो वो, मतलब मम्मी को मैंने बताया, तो मम्मी को बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इसके बाद दीदी ने बनाया कढ़ाई पनीर, जिसकी रेसिपी दीदी बताएंगी। हमने पनीर ले लिए क्यूब्स में। कढ़ाई पनीर बना रहे हो ना? हाँ, आज हम कढ़ाई पनीर की रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। पनीर में मैरिनेशन के लिए ये हल्का सा नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च ये तीखी वाली, और थोड़ी कश्मीरी मिर्च। बस इसमें आधा नींबू स्क्वीज करेंगे अपन। पनीर हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली एक पाव लिया होगा। बस अब इसको टॉस करना है जिससे ये अच्छे से कोट हो जाए। कोशिश करें ऐसे ही टॉस करें, हाथ में मिर्ची लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। एक पैन को हमने हीट कर लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जब तक हमारा पनीर मैरिनेट हो रहा है, हमें इसमें प्याज बड़ी बड़ी काट ली है, इसको थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। ये प्याज देखिए ऑलमोस्ट हो चुकी है। प्याज पक गई है, अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। इस पैन में हम जरा सा ऑयल फिर से लेंगे और अब क्यूब्स में कटी हुई शिमला मिर्च को थोड़ा सा सौते करेंगे। ये हमने काट ली थी शिमला मिर्च। जब तक हमारी शिमला मिर्च हो रही है, साइड में हमने एक कढ़ाई और रखी हुई है, इसमें हम ग्रेवी तैयार करते हैं। कढ़ाई हमने प्रीहीट कर ली है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, इसमें जीरा, दो इलायची, दो लौंग और सात काली मिर्च, इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। हमने मोटी कटी हुई प्याज ली है थोड़ी सी, ये डालेंगे, बस इसे पकने देंगे थोड़ी देर। शिमला मिर्च को हमें थोड़ा ढाक देंगे जिससे वो अच्छे से पक जाए, कच्ची कच्ची अच्छी नहीं लगेगी। प्याज को भी ज्यादा भूनना नहीं है,
थोड़ा सा हो जाए फिर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करनी है। ये प्याज अब भुन चुकी है, इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। मैं यहाँ मार्केट का ले रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हो, घर का बना भी। थोड़ा सा अदरक लहसुन मिक्स करके उसका पेस्ट बना लें। अप्रॉक्स 1 टेबलस्पून लेना है। इसको अच्छा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा भून लेंगे। ये साइड में हमने कैप्सिकम चढ़ा रखी थी, ये भी ऑलमोस्ट हो गई है क्रंची सी। ये भी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। पैन वापस चढ़ाएंगे, फिर से थोड़ा सा तेल, और अब हम इसमें पनीर सौते करेंगे। ये इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भून चुका है, अब इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने ये 3 टमाटर लिए हुए हैं रफली स्लाइस्ड, ये ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक टू टेस्ट, बस इसे ढाक देंगे थोड़ी देर के लिए जब तक ये अच्छे से गल ना जाए। साइड में हमारा पनीर हो रहा है, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। ये अब हम फ्लिप करेंगे दूसरी साइड के लिए। ये देखिए एक साइड अच्छा ब्राउन हो गया है, गोल्डन गोल्डन सा। दूसरी साइड भी हम बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं पनीर अच्छा गोल्डन सा हो गया है, क्रिस्पी सा। इसको भी हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये हमारा मसाला भी रेडी हो चुका है, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अब इसको मिक्सी में पीस कर एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं, बट पहले ठंडा हो जाने दीजिएगा। ये जो हमने सब्जी का मसाला बनाया था प्याज टमाटर का, उसको हमने बारीक पेस्ट बना लिया है। आप इसे चाहें तो छान सकते हैं, मैंने नहीं छाना। अब एक पैन लेंगे, उसमें तेल गरम करेंगे थोड़ा सा, 2 टेबलस्पून, थोड़ा सा जीरा, तेज पत्ता, दालचीनी। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च। इसको चला लेंगे। बस इसमें हम अपनी प्यूरी डाल देंगे। ये हमने घर की कसूरी मेथी ली है, इसे घर पे ही सुखाई थी, फिर कभी भाभी आपको इसकी रेसिपी बताएंगे। बिल्कुल। इसको हम क्रश करके डाल लेंगे। ये हमारी सब्जी भुन चुकी है, इसमें आप चाहें तो ऑप्शनल है फ्रेश क्रीम या मलाई डाल सकते हैं। यहाँ पे ना चटपटा सा खाना पसंद करते हैं, तो हम लोग नहीं डाल रहे। आप डाल लेना, यहाँ बिल्कुल डिपेंड करता है। हाँ, यहाँ चटपटा थोड़ा सा खाते हैं।
बिल्कुल मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं बिल्कुल भी नहीं, आधी चम्मच शक्कर डल जाए तो खाए ना। अब इसमें हम सब्जी डालेंगे जो हमने टॉस करके रखी थी, सौते करके रखी थी, प्याज, शिमला मिर्च। पनीर हम बिल्कुल एंड में यूज करेंगे। ये देखिए ये बन गई हमने सी। हाँ, इसमें अभी रह गया है एक इंग्रेडिएंट। क्या रह गया भाभी बताओ? नहीं नहीं, पनीर पनीर तो रह गया है। नमक 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 मेन चीज तो पड़ा ही नहीं, कैसे बनेगी? भाभी आप डालो नमक इसमें, पकड़ो एक सेकंड। ये मेरा ना नमक का अंदाजा बहुत ही गड़बड़ है। एक सेकंड में दिखाऊंगी। खाना बनाते सब बनता है, नमक का अंदाजा नहीं है मुझे। अब इसको थोड़ा तेज करके कर लेंगे। बस ये ऑलमोस्ट हो चुकी है। वैसे तो ये सब्जी ऐसे ड्राई ड्राई सी बनती है, बट हम लोग इसमें कुछ हाँ ट्राई करते ही रहते हैं। हर चीज ट्राई करते रहते हैं, करना चाहिए नया नया। इसको अपने घर में ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी बनी थी। अरे भैया मेरी दीदी ने बनाया है तो अच्छी है, मतलब आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को। दीदी ने पूरा एक एक सब कुछ बताया है। हाँ, और कुछ क्वेश्चंस हो तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिल्कुल। ये हमारा पानी पक चुका है, अब इस पे क्या डालें भाभी? पनीर, मेरी फेवरेट है पनीर की सब्जियाँ, इसलिए हमेशा देखा होगा मैं वेरिएशंस भी पनीर पे ट्राई करती हूँ। हाँ, मैं वीडियो दीदी बनाती है सब्जियाँ वगैरह, जो भी रेसिपी शेयर करूंगी तो दीदी का ही रहता है। उनको पनीर बहुत पसंद है और कुकिंग भी करना पसंद है। वैसे पनीर तो मेरा फेवरेट है, मुझे चार टाइम पनीर दे दो तो मैं खा लूं। मैं मतलब अपने लंच बॉक्स पे टिफिन में पनीर ले जाया करती थी। मैं 2-3 साल टिफिन में सिर्फ रोटी और पनीर की सब्जी ले जाया करती थी। उसके अलावा अगर कुछ रखा गया टिफिन में तो वापस आ जाता था। पनीर रखो खाली टिफिन। बस तो ये देखिए बढ़िया सा कढ़ाई पनीर बनकर रेडी है। थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे, धनिया पत्ती डाल दी है। थोड़ा सा कैसा बना है, अरे दिख ही रहा है, एक नंबर का बढ़िया सा, अच्छा ही होगा। हाँ, नहीं तो इतनी देर की मेहनत खराब चली जाएगी। नहीं खराब तो नहीं जाएगी मेहनत, अच्छा ही होगा। तो देखने में ही इतना बढ़िया दिख रहा है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में। हाँ, और बना के भी ट्राई करके भी। हाँ, और अगले वीडियो में भाभी बताएगी कैसा बना था पनीर। हाँ हाँ बिल्कुल। आई होप आप सबको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।